आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म जैसा कि दिख रहा है, ये भगवान गौतम बुद्ध का तस्वीर है, ये भी है। तो इसके संस्थापक भी भगवान गौतम बुद्ध ही हैं, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। ऐसा इसलिए क्योंकि एशिया में कोई धर्म जो सबसे ज़्यादा फला फूला वो यही था, बौद्ध धर्म। लगभग चाइना में काफ़ी लोग मानते हैं, हालांकि चाइना की लगभग 40% आबादी तो नास्तिक है, फिर भी चाइना में लोग मानते हैं, थोड़ा बहुत बांग्लादेश में भी, म्यांमार में भी, भारत में, श्रीलंका में तो काफ़ी ज़्यादा लोग, और चाइना में लगभग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मानती है। तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, यानी नेपाल में, कपिलवस्तु में हुआ, नेपाल में हुआ। और नेपाल एकमात्र हिंदू देश है, ठीक है, मतलब वहाँ पर ऑफिशियल धर्म हिंदू बता दिया गया है। और ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो कैटोन चीनी अभिलेख से पता चलता है, ठीक है, कि इनका नाम सिद्धार्थ था और प्रतीक चिन्ह इनका है कमल तथा सांड, प्रतीक चिन्ह। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ये एक शाक्य गढ़ के मुखिया थे, ठीक है, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए लोगों के बीच में। माता का नाम था माया देवी, और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का मृत्यु हो गया था। तो माता की मृत्यु के बाद जो है प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, ठीक है, कहा जाता है इनकी मौसी थी शायद। विवाह इनका 16 वर्ष के आयु में हो गया यशोधरा नामक स्त्री से, और उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ इन्हें, जिसका नाम था राहुल, ठीक है। चन्ना नामक सारथी और कंथक नामक घोड़े के साथ इन्होंने कपिलवस्तु की सैर की और 4 दृश्य देखे। कहा जाता है कि बचपन में ये सारे सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थे। और एक ऋषि आए थे और ऋषि ने कहा कि जो है राजा शुद्धोधन से कि आपका बेटा राजा नहीं संत बनेगा। तो इसलिए शुद्धोधन ने कहा कि संत बनने के लिए जो जो चीज़ें प्रेरित करती हैं, उन उन चीज़ों को इसके जीवन से मैं हटा दूंगा। यानी संत कोई कब बनता है, जब संसार में दुख देखता है, बीमार व्यक्ति को देखता है, गरीबी देखता है, तो इन सब चीज़ों को परिपूर्ण पूरी तरह से मतलब शासन से हटा दिया। लेकिन एक बार ये चन्ना नामक सारथी से कंथक घोड़े पे बैठ के जो है कपिलवस्तु की सैर के लिए निकलते हैं, 4 चीज़ देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक डेड बॉडी और एक सन्यासी। और ये 4 चीज़ देख के इनका हृदय परिवर्तन होता है और 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग देते हैं, और ये गृह त्यागने की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। मतलब ये पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है, तो भगवान गौतम बुद्ध के गृह त्याग से। और प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, जैसे जन्म के लिए प्रतीक चिन्ह अभी अभी हमने बताया था, भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल और सांड, वैसे ही महाभिनिष्क्रमण का यानी गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, ठीक है, क्योंकि घोड़े पे ही बैठ के ये गए थे। तो ये जब गए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले पहुंचे वैशाली। वैशाली में इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाराम, और अलार कलाम से ही इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, ये इनके प्रथम गुरु बने। फिर राजगीर गए, यहाँ पर रुद्र करामपुत्र नामक इनके गुरु बने, इनसे इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की और ये इनके द्वितीय गुरु बने। फिर गए उरवेला, पूछा जाता है उरवेला में इन्होंने 5 साधक चीज़ों को अपनाया, बेसिकली कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर बैठ के ये एक प्रकार से अपने 5 शिष्यों को जो है शिक्षा दे रहे हैं, चित्र प्रस्तुत है। चौथा इन्होंने काम किया गया बिहार में, यहाँ पर इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की और लगभग 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहीं से इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा, सिद्धार्थ से। तो कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में, किस नदी के किनारे, पीपल के वृक्ष के नीचे, और किस नदी के किनारे,
तो फाल्गु नदी जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है पीपल, बोधि वृक्ष भी जिसे कहा गया है। तो कमल तथा साढ़ जन्म का प्रतीक चिन्ह है। महाभिनिष्क्रमण यानी ग्रह त्यागने का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है पीपल, ठीक है। पिता का नाम शुद्धोदन, और माता इनकी जो है काफ़ी जल्दी मर गई, तो प्रजापति गौतमी ने इनका जो है लालन पासन किया। और माता का नाम क्या था अभी भी बताया था मैंने, जो है इनकी माता का नाम माया देवी था, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो प्रथम उपदेश इन्होंने जो दिया वो ऋषिपत्तनम में दिया। ऋषिपत्तनम कहाँ है, आज के समय में वाराणसी के पास सारनाथ में है। और जब प्रथम उपदेश दिया तो इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया है श्रावस्ती में, श्रावस्ती कोसल की राजधानी भी है, जो 16 महाजनपद में हमने देखा था, और अभी आगे 16 महाजनपद के प्रमुख नगरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनके प्रमुख अनुयायी में हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, और प्रथम अनुयायी जो थे वो थे तपस्यु और काल्लिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश के पास जो है कुशीनगर, वहाँ पर इनको जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जिसका प्रतीक चिन्ह है स्तूप। बुद्ध के अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए, मतलब जब ये इनकी मृत्यु हुई तो इनके अवशेष जो बचे उनको 8 भाग में बांट करके 8 स्तूप बना दिए गए। और मल्ल राजा द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया, चूँकि गृह त्याग दिए थे, परिवार त्याग दिए थे, तो परिवार का तो कोई सदस्य था नहीं, और जब कोई महान संत हो जाता है तो कोई महान ही लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो 483 ईस्वी पूर्व में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनारा में हुई। कुछ विशेषता, पहली चीज़ जो बौद्ध धर्म है ये अनीश्वरवादी है, ठीक है, अनात्मवादी है, पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक, मध्यम मार्गी है। और बुद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दिए गए हैं, जिसमें एक है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि अगर संसार में दुख है तो वो सत्य है, अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। बेसिकली अगर कोई धार्मिक व्यक्ति होता है तो धार्मिक व्यक्ति में एक आशा होती है, जैसे कि पैसा खत्म हो गया, कोई घर में बीमार है, कुछ भी है, तो जानता है कि चलो भगवान ठीक कर देंगे, भगवान का नाम रटता है। और एक गैर धार्मिक व्यक्ति या जो अनास्तिक व्यक्ति है, नास्तिक नहीं है, मतलब आस्तिक नहीं है, नास्तिक व्यक्ति है, वो जब भी पूरी तरह हताश हो जाता है तो सुसाइड की तरफ भागता है, क्योंकि उसको भगवान पर तो विश्वास है नहीं, वो जान रहा है। जैसे अभी कल परसों की घटना है, एक व्यक्ति जिसको ऑनलाइन मैसेज आया कि घर बैठे कमाइए कुछ इन्वेस्ट करके, कुछ उसने इन्वेस्ट किया, पैसा कमाने लगा, पैसा ठीक ठीक आने लगा, तो अपने जॉब से ज़्यादा ध्यान इधर देने लगा, कमाते कमाते इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देने का लालच देने लगे कंपनी वाले, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया और कमा लिया। फिर एक टाइम उसको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना था तो कंपनी वाले ने कहा लोन ले लो, तो चूंकि उसका सिविल ख़राब था, पहले कभी का लोन लिया था कोरोना वायरस के टाइम में और लोन नहीं मिल रहा था, तो उसने बताया कंपनी वाले को, तो कंपनी वाले ने कई तरीका दिए और बताए समझाए, तो लोन भी मिल गया। अब लोन का अमाउंट पूरा का पूरा उसने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जितना मिला, और उसके बाद उसका इनकम बंद हो गया, वर्कलोड बढ़ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, ज़्यादा इनकम करना है, लोन का अमाउंट वो नहीं पे कर पा रहा था। 6-7 महीने बाद जो उसे प्राइवेट लोन मिला था, लोन वाले परेशान करने लगे, कंपनी वाले भी परेशान करने लगे। अब वो लोन की किस्तें इधर उधर से उधार उधार मांग के वो भरा, अब उधार वाले भी परेशान करने लगे, लोन कंपनी वाले उसके मोबाइल को हैक कर लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल पे कुछ व्हाट्सएप के लिंक उकाते हैं, लोग कहते हैं इसे क्लिक करो, हम लोग क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देने से हमारे इन्फॉर्मेशन चले जाते हैं, क्योंकि उसमें क्लिक करते ही पूछता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट शेयर करना चाहते हो, अपना ये सब चीज़ चला गया। अब उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट उसके पास पहुँच गए, वो उसके कॉन्टैक्ट वालों को फ़ोन कर करके उल्टी सीधी उसकी बातें और सब चीज़ करने लगा। अब वो व्यक्ति क्या किया, आज तक चैनल पर पूरा है, एक सुसाइड नोट लिखा, पति पत्नी और 2 बच्चे, 4 लोग के साथ आत्महत्या कर लिया। और ये सब चीज़ें से पता चलता है कि उस व्यक्ति को भरोसा अब उठ गया था, बेसिकली कानून पे भरोसा था नहीं,
क्योंकि उसने ऐसा काम किया था, कानून उसका साथ कहाँ खड़ा होता, लोन तो उसने लिया, चुकता उसे भी करना है। शायद भगवान में भी उतना आस्था नहीं था, नहीं तो एक आस्तिक व्यक्ति जो होता है वो हर जगह से हारने के बाद भी कहता है चलो भगवान देख रहे हैं, भगवान ठीक करेंगे, कहीं मार भी खा लिए तो कहें तुमको भगवान श्राप देगा, और उसी में खुश है वो, ये अच्छी चीज़ है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया, पहली चीज़ की मध्यम मार्ग बताया कि किस तरह से जो लोग हताश हैं, निराश हैं, कई बार लोग जातिवादी के कारण परेशान हैं, कई लोग धर्म के कारण परेशान हैं, तो उस सब चीज़ों से अलग एक मध्यम मार्ग दिया, खुश रहना है आपको, और ये चार सत्य दिए, ठीक है, कि अगर आपके पास दुख है तो उस दुख का कारण भी है, ठीक है, निदान भी है और निवारण भी है, तो बेसिकली आप हर चीज़ से निकल जाओगे, टाइम पे आप अपने आप को संभाल सको। बताया कि संसार दुखों से भरा हुआ है और उस दुख का सबसे बड़ा कारण है आपकी इच्छा, तृष्णा, पर्यायवाची शब्द इच्छा। जब तक आप अपने ऊपर काबू नहीं करोगे इच्छा पर, तब तक आप किसी भी तरह दुख से नहीं निकल पाओगे। साइकिल वाला परेशान है कि मोटरसाइकिल ले लें, मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल डालने की परेशान है, पेट्रोल हो जा रहा है तो सोच रहा है पेट्रोल अब तो ज़्यादा डालने का पैसा है, कार ले लें, कार वाला ट्रक के लिए, ट्रक वाला हवाई जहाज़ में बैठने के लिए परेशान है, ठीक है। अंबानी जैसे लोग अपने घर पर तीन तीन हेलीपैड बना रखे हैं, ठीक है, और यहाँ कई लोग के घर में मोटरसाइकिल खड़े होने की जगह नहीं है, तो ये सारा चीज़ है, परेशान सब लोग हैं। और इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा है अगर आप इच्छा पर काबू कर लिए तो दुख संसार से ख़त्म। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, यानी इच्छा की समाप्ति। जैसे इच्छा समाप्त, वैसे तो कलयुग में इच्छा की समाप्ति संसार के महापरिनिर्वाण के साथ ही होता है संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए, मतलब शरीर का अंत तभी इच्छा का अंत, नहीं तो इच्छा रहेगा। तो दुखों से मुक्ति, निर्वाण की प्राप्ति, ये परम लक्ष्य है। और इस प्राप्ति के हेतु दो तरीका बताया गया है, एक अष्टांगिक मार्ग और एक दस सील, ठीक है। अब देखिए निर्वाण का एक्चुअली मतलब क्या है, जीवन मरण चक्र से मुक्ति, और इसका प्रतीक है पदचिन्ह, जीवन परचरण के मतलब, जो कि बौद्ध धर्म भी पुनर्जीवन में विश्वास करता है। तो माना जाता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको पुनर्जन्म मिलेगा, और जब आप सारे अच्छे कर्म करोगे तो पुनर्जन्म तो उसी आधार पर मिलेगा ना जिस तरह का आपने बुरा कर्म किया है। अगर अच्छे कर्म करोगे, कुछ बुरा नहीं करोगे, तो आपको ये पुनर्जन्म के चक्र से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में आठ बातें बताई गई हैं कि अगर आपको जीवन चरण, जीवन मरण के चरण से मुक्ति चाहिए तो पूरी तरह से आपको खुश रहना है, दुख में नहीं आना है, तो इन आठों चीज़ को करिए। क्या क्या? राइट ऑब्जर्वेशन मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। पहली चीज़, जो भी देखिए, सुनिए, समझिए, वो अपनी आंखों से ही करिए तो ही विश्वास करिए, किसी तीसरे ने आपको क्या बताया, चौथे ने क्या बताया, उस पर विश्वास नहीं करिए। मन में जो चीज़ आप सोच लीजिए, जैसे कि मुझे जॉब पाना है, तो उसके लिए डिटरमाइन हो जाइए कि मुझे पाना है, बाकी मैं अब सेकंड ऑप्शन मुझे रखना ही नहीं है। अच्छे से बोलना है, कभी किसी को ऐसा नहीं बोलना है कि दुख हो। कर्मांत, जो भी काम करने हैं वो अच्छे काम करने हैं, ठीक है। जीवन जीने का तरीका ऐसा होगा जिसमें हमें ना बहुत ज़्यादा आलीशान जीवन जीना है, और ऐसा भी नहीं कि कांटों पे लेट जाएं। मतलब भगवान भक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि कांटों पे लेट के भगवान की भक्ति करो, नहीं, हमें बस जितनी आवश्यकता है उतने में ही रहना है, एक्सरसाइज करना है, योग वगैरह करते रहना है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, स्मृति मेडिटेशन करना है, ठीक है, और समाधि, अंत में सीधे हमें मेडिटेशन करना है, मतलब पहले तो हमें अपनी चीज़ों को याद रखना है, बेसिकली पढ़ाई वाले बच्चों के लिए तो है पढ़ाई करना है अच्छे से, और मेडिटेशन का मतलब है कि थोड़ा सा बैठ के आत्मचिंतन करना है, और अंत में जीवन का भी आत्मचिंतन है कि समाधि ले लिए मर गए। तो ये आठ जो है अष्टांगिक मार्ग हैं। और दस सील क्या है? दूसरा तरीका, दस सील दूसरा तरीका क्या, दोनों को साथ में ही अपनाना है, कि मतलब दस ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने जीवन में लेना है। अहिंसा, बिल्कुल हमें नहीं, मतलब बिल्कुल हिंसा नहीं करना है। सत्य, चोरी नहीं करना है, किसी भी तरह की संपत्ति नहीं रखना है, मदिरा शराब वगैरह का सेवन नहीं करना है, नियमित रूप से भोजन करना है, हमेशा ऐसे बिस्तर पर सोना है जो बिस्तर फ्लैट हो, ऐसा नहीं गद्देदार, क्योंकि उससे हमारे शरीर को नुकसान होगा,
कई बार हम लोग सो जाते हैं गद्देदार पे तकिया के लगा के, तो नस चढ़ जाती है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, स्त्रियों से दूर रहना है। और यही कारण रहा कि बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा लोग समय पर नहीं जुड़ पाए। बाद में इसके लिए भी देखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में होगा स्त्रियों के लिए भी विशेषता। और नृत्य गान आदि से दूर रहना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर एक जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे जीवन को बढ़ाने के लिए भाई पुरुष स्त्री का दोनों होकर होना ज़रूरी है, तो उस चक्कर में धर्म थोड़ा आगे फल फूल नहीं पाया था, लेकिन बाद में इसके लिए भी उपाय किया गया। अन्य तथ्य, बौद्ध धर्म ने तीन रत्न दिए गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म के तीन रत्न क्या है, पैट के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था। तो बुद्ध धर्म और संघ, ठीक, बुद्ध धर्म और संघ। संघ क्या है, तो संघ यानी जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश लेता है दूसरे धर्म से, या किसी व्यक्तिगत रूप से वो कोई धर्म को नहीं मानता फिर भी धर्म में आना चाहता है, तो उसके 15 वर्ष के उम्र तक आ सकता है। और उसके बाद जो संघ में आएगा तो उसके एक संस्कार होगा, ठीक है, मतलब पूजा पाठ होगा। बुद्ध धर्म के अनुयायी कौन हो सकते हैं, तो एक हो सकते हैं भिक्षुक जो पूरी तरह सन्यासी होंगे, और एक हो सकते हैं उपासक जो गृहस्थ जीवन में रहेंगे, बस वो आके पूजा पाठ करके घर चले जाएंगे। भिक्षुक जो होंगे पूरी तरह सन्यासी होंगे, वहीं पर रहेंगे जहाँ पर आश्रम वगैरह होगा। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन मृत्यु भी हुई, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। उस दिन खीर वगैरह रखा जाता है चंद्रमा के सामने। अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएँ हैं, ठीक है, और यही बुद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन भी है वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी भगवान गौतम बुद्ध की, वो एक गंधार कला और एक मथुरा कला से निर्मित थी। गंधार कला क्या है, देखिए दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है थोड़ा गंधार कला, और मथुरा कला कहाँ, उत्तर प्रदेश का मथुरा। ये देखिए मथुरा कला से बनी मूर्ति और ये गंधार कला से बनी मूर्ति, ठीक। बुद्ध के अन्य नाम है शाक्य मुनि, मैत्रेय, ये अन्य लोग बोलते हैं कि बुद्ध धर्म के अन्य नाम हैं। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध का भी अगला जन्म होगा, कुछ लोग कहते हैं बुद्ध भगवान बुद्ध का अगला जन्म हो चुका है, तो अलग अलग लोग के अलग अलग मान्यता है। फिलहाल भगवान गौतम बुद्ध के बारे में ही पढ़ना है। तिब्बत और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपाच ने किया था, मतलब भूटान तिब्बत इत्यादि देशों में पद्म संभव नामक व्यक्ति ने प्रचार किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में जो है बौद्ध धर्म बढ़ जाएगा, और फिर आगे जाके एक और यान बनेगा वज्रयान, तो अभी हम बताएंगे कैसे। तो वज्रयान से संबंधित प्रचार पद्म संभव ने किया था बौद्ध धर्म का, कहाँ पर, भूटान और तिब्बत में। और इनकी 123 ऊंची फिट मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। किसकी, पद्म संभव की। पद्म संभव बौद्ध धर्म से संबंधित इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब देखिए बौद्ध धर्म की चार संगतियाँ हुई। प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इस समय अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। अजातशत्रु कौन, 16 महाजनपद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश, ठीक है, आदि वंशों में ये कहाँ पर आए थे। द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, इसके अध्यक्ष थे साबा कामी, और इस समय शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति हुई 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, मोगली पुत्र तिस्त इसके अध्यक्ष थे, और अशोक इस समय जो है सम्राट थे। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यानी अब यहाँ से भगवान जीसस क्राइस्ट का भी जन्म हो गया है, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या असघोष, और इस समय राजा थे कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के ही समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान वो लोग थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक, और महायान वो लोग थे जो मूर्ति पूजा करते थे। आज के समय भी भारत में लगभग महायान लोग हैं, लेकिन हीनयान की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग मूर्ति वगैरह तोड़ने लगते हैं, और तमाम तरह से बौद्ध धर्म में जाते ही एक्चुअली
हिंदू धर्म के से खफा लोग जाते हैं, तो हिंदू धर्म से खफा होकर जो लोग बौद्ध धर्म में जा रहे हैं वो हीन यान शाखा में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके मूर्ति वगैरह तोड़ने लगते हैं, कहते हैं मैं मूर्ति पूजा नहीं करूँगा, ये सब चीज़ें, ठीक है, कई जगह आपने देखा होगा। तो वो इसी शाखा के लोग हैं। और बाकी चाइना में, भूटान में, नेपाल में महायान शाखा के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में कि मूर्ति करके उसके सामने भगवान गौतम बुद्ध का काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था बौद्ध धर्म, ठीक। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में शैव धर्म शुरू किया जाएगा।